अरे यार, हावड़ा ब्रिज में ट्रिपलिंग करते हुए जा रहा है विदाउट हेलमेट। टैक्स तो 12 देखा रही है। अगर पुलिस कभी पकड़ता है तो बोल देना भाई, ईएमआई का बाइक दोस्तों येलो नंबर प्लेट में कन्वर्ट। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। फिलहाल आज मैं पार्ट टाइम ही काम करूंगा। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोग कोलकाता में बाइक टैक्सी का काम करते हैं तो कोलकाता में अभी क्या ना येलो नंबर प्लेट कंपलसरी कर दिया गया। अदरवाइज अगर आप व्हाइट नंबर प्लेट में काम कर रहे हैं तो पुलिस कहीं कहीं चेकिंग भी कर रही है तो फाइन भी दे रही है। बट आप लोगों ना, मैं आज एक लूप होल के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत लोग डर के मारे काम नहीं कर रहे इस वजह से, बट एक लूप होल है, उसका अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो आप इजिली काम कर सकते हैं। पुलिस पकड़ेगी लेकिन छोड़ देगी, आपको कोई फाइन नहीं देगा। तो क्या लूप होल है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी बाइक टैक्सी से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी गाइस, एंड तक जोड़ देखना। ओके तो चलिए दोस्तों, रास्ते में मिलते हैं। तो अभी ना दोस्तों मैं घर पे ही था और मान लो कि जूता भी नहीं पहना था, तो रैपिडो से एक लंबा चौड़ा राइड मुझे मिल गया। इनको सियालदा मोलाली की तरफ जाना है। अरे भाई, अपने एरिया के कुत्ते भौंक रहे, इतना ख़राब दिन आ गया बताओ। सुबह सब मेरे घर में खाना पीना खाता है, मुझको ही भौंक रहा है। तो इनको मोलाली के तरफ जाना है और पिकअप डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर का था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। रैपिडो फिलहाल ये मुझे मिला, ऑब्वियसली पैसा थोड़ा सा कम ही मिलेगा, बट ठीक है, चलो यार मिल गया, एक्सेप्ट कर लिया। लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर था, टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो मिल जाए उसी को एक्सेप्ट कर लूँ। तो अभी मैं उनसे बात भी कर लिया हूँ, बोल दिया भैया 5 मिनट में आ रहा हूँ, वेट करो। तो 18.6 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है ये। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लूप होल के बारे में बताने से पहले ना, मैं आप लोगों को एक दो और चीज़ बता देना चाहता हूँ। यदि बाइक टैक्सी में काम कर रहे हैं ना अभी के टाइम में, तो कोशिश करो नेविगेशन ना देखे तो अच्छा हो, मतलब देख लो कहाँ जाना है। अगर आपको रास्ता मालूम है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो कस्टमर को पूछ लो भाई आपको रास्ता मालूम है कि नहीं। अगर कस्टमर कहता है कि हाँ मालूम है तो नेविगेशन मत रखना, कस्टमर से पूछ पूछ के चल जाना। क्योंकि मोबाइल होल्डर पे अगर मोबाइल रहेगा ना, लोग डाउट करने लगते हैं। और सबसे अच्छा होगा अगर आप मोबाइल होल्डर यूज ना करें तो ही अच्छा होगा। ओके, मोबाइल होल्डर रहने से भी डाउट हो जाता है कि बंदा बाइक टैक्सी कर रहा है। जैसे कि मैं अभी देखो यार, मुझे रास्ता मालूम है, ओके, तो मैंने यहाँ पर नेविगेशन नहीं लगाया, तो बिना नेविगेशन देखे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है रास्ता कहाँ तक जाना है। बस जाने से पहले कुछ 100 मीटर, 500 मीटर पहले या फिर 1-2 किलोमीटर पहले मैं देख लूँगा या फिर कस्टमर से पूछ लूँगा कि भाई किस साइड में जाना है, कौन सा राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। कस्टमर को एटलीस्ट इतना पता होता है। ओके, अगर नहीं पता है तो तब थोड़ा सा खोल के देख लिया अपने लोकेशन, हाँ इधर से राइट लेना है। तो इस तरह से काम करोगे तो थोड़ा सेफ रहोगे आप, ठीक है, नज़र में कम आओगे कि आप बाइक टैक्सी कर रहा हूँ। ओके, काउंट हो गया, हाँ ऑनलाइन दिया तो भलो होगा। तो यहाँ से ना मुझे ओला उबर, जैसे मैंने ऑन किया ना उबेर से पहला वाला बुकिंग मिला, 5 पॉइंट समथिंग कुछ किलोमीटर था, 66 रुपीज़ दिखा रहा था। उसके बाद मैं जा ही रहा था, मतलब उबेर वाला कस्टमर को पिक करने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, कि ओला से मुझे एक और राइड मुझे दिखता है। इनको बेहाला की तरफ जाना है, बोरीसाल, 12 किलोमीटर के लिए 127-128 रुपये दिखा रहा था। मैंने चलो यार इसी को एक्सेप्ट करते हैं, लॉन्ग वाला ऑर्डर पे करके मजा आया भाई, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे ना तो कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लोगे। अब जैसे मैं इनको उतारा अभी, 167 रुपये हो गया 1 घंटे में, फिर इनको ले जाऊँगा, 1 घंटा लगेगा हो सकता है जाने में, 127 रुपये वहाँ से हो जाएगा, तो 2 घंटे में लगभग 300+ अर्निंग हो जाएगी इनका, है क्या भाई। बिलीव करो, पूरा कोलकाता में, मतलब सेंट्रल कोलकाता में ये रोड इंदिरा गांधी सरोनी जो है ना, बहुत मस्त लगता है। क्या खूबसूरत सजा के रखा है, आप ही लोग देखो यार कितना मस्त लग रहा है ना देखने में। और स्पेशली ये रोड ना रात के टाइम में ही अच्छा लगता है, जब लाइटें जलती है, दिन के टाइम में उतना अच्छा नहीं लगता, बट रात में बहुत अच्छा लगता है। वो क्या लग रही है। फिलहाल मैं अभी बेहाला जा रहा हूँ, लगभग 12 किलोमीटर का है ओला से, देखते कितना पैसा मिलता है। तो ये ओला से मेरा पहला राइड था आज का। ओके, इस पर कितना मिला मुझे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 128 रुपये मिला पूरा 12 किलोमीटर के लिए। देखो यार ये हुआ ना बात। तो गाइस उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद ना उसके बाद बुकिंग ही नहीं मिल रहा है, लगभग 20 मिनट हो चुका है,
लगा अभी तक कोई बुकिंग नहीं मिला, तो मैं इधर आ गया था बेहाला चौमाथा की तरफ। शायद इधर ऑर्डर का डिमांड उतना नहीं है बेहाला की तरफ। तो आप लोगों ना उस लूप होल के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली देखो यार, इस फील्ड में ना हम लोग जो काम करते हैं बाइक टैक्सी हो या फिर डिलीवरी लाइन में ना, हम लोग का ज़्यादातर को बाइक जो होता है ना भाई EMI पे चल रहा है ना। ज़्यादातर जो बाइक लोग लिए है न्यूली, सब ज़्यादातर मैक्सिमम लोग EMI पे लिए हुए हैं। तो यही दोस्तों लूप होल है। जी हाँ दोस्तों, EMI का बाइक दोस्तों येलो नंबर प्लेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है अभी। ओके, तो आपको इसी का फ़ायदा उठाना है। अगर पुलिस कभी पकड़ता है तो बोल देना भाई मेरा EMI पे गाड़ी है, मैंने अप्लाई किया लेकिन EMI का गाड़ी, फिनांस का गाड़ी अभी तक इसमें नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो अप्लाई किया था लेकिन मेरा अभी लोन चल रहा है जिस वजह से अभी येलो नंबर प्लेट नहीं करवा पा रहा हूँ मैं, तो वो लोग ना फिर छोड़ देंगे आपको। और ये लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे बताए थे इस बारे में। उनको एक बार पकड़ा था लेक टाउन जो क्लॉक टावर है उस सिग्नल पे पकड़ा था। वो बेसिकली उस टाइम ऑफलाइन जा रहे थे, ओके, मतलब ऑफलाइन थे, ऑनलाइन भी नहीं थे, सब कुछ बंद उन करके घर की तरफ जा रहे थे। तो उनको ना पुलिस चेकिंग करने के लिए पकड़ती है क्लॉक टावर के पास, ओके। तो वहाँ पर वो जाता है, जाके देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे मतलब 8-9 बंदे ऐसे वहाँ पर खड़े है, ठीक है, सबका चेकिंग चल रहा है। और उसमें से मैक्सिमम लोगों का चेकिंग हो रहा है कि आप बाइक टैक्सी कर रहे हो कि नहीं, ओला उबर रैपिडो वगैरह चेक कर रहा है कि नहीं, वही चेक हो रहा था। तो जिन जिन लोगों का EMI पे गाड़ी था ना, पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया, ओके। उन्हें EMI पे गाड़ी लेने पे कंपनी कह रहा हूँ, पुलिस वाले लोग छोड़ दे रहे हैं। और जिनका मतलब सब कुछ नॉर्मल था, जैसे मेरा सब कुछ नॉर्मल है, EMI नहीं चल रहा है कोई भी, तो इसमें अगर चलाते तो कंपनी कह रहा हूँ फिर से, पुलिस वाले लोग फिर आपको फ़ाइन दे सकते हैं। तो एक तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब फ़ायदेमंद हो गया, जो EMI पे गाड़ी जिनका है तो आप काम कर सकते हो, ओके। अब मैं 100% श्योर नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपका अगर EMI पे गाड़ी है पुलिस पकड़ेगी तो छोड़ देगी, ओके, तो पुलिस वाले आपको फ़ाइन भी दे सकते हैं। अब पुलिस वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई मैं तो गया था अप्लाई करने, बट अगर यहाँ पे अगर वो लोग ना एक्सेप्ट करें तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरा तो EMI पे गाड़ी है, मैं तो करना चाहता हूँ, मैंने इसी के भरोसे ही अपना बाइक परचेज किया था EMI पे, कि मैं बाइक टैक्सी में काम करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो मैंने EMI पे बाइक ले लिया। अब लेने के बाद देख रहा हूँ कि यहाँ पे येलो नंबर प्लेट नहीं होगा EMI पे जिसका गाड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, तो इस तरह से बोल के आप निकल सकते हो वहाँ पे, ओके। तो ये एक छोटा सा लूप होल है, आप चाहे तो फ़ायदा उठा सकते हो, बट हाँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सिक्योर है, पुलिस वालों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेहाला बाजार आ गया मैं, कोई बुकिंग नहीं मिल रहा है मुझे, क्या होगा। रैपिडो से मिला फूड का ऑर्डर नहीं करूँगा, 3.2 किलोमीटर। तो ओला से दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एक राइड मुझे मिला, हावड़ा स्टेशन जाना था, मैंने सोचा चलो यार एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। 145 रुपया दिखा रहा था यहाँ से हावड़ा स्टेशन के लिए। 112 दिखा रही है। अरे कितना किलोमीटर है, 112 ही दिखा रहा है सिर्फ, देख लीजिए पिन बताइए, आगे देख लीजिए 112। ठीक है, आप थोड़ा 130 कर दीजिएगा ना, 130 ठीक है। अभी 9 भी नहीं बजा, मुझे लगा 9:30 बज जाएगा, जाम मिलेगा, बट रास्ता बिल्कुल खाली था, जाम नहीं मिला, जिस वजह से जल्दी पहुंच गया। अरे यार हावड़ा ब्रिज में ट्रिपलिंग करते हुए जा रहा है विदाउट हेलमेट, भाई जिगर वाला है, भाई जिगर वाला है, देखो भाई। और यहाँ पे आने पे ना नेटवर्क काम नहीं करता, देखो अभी ये लोडिंग ले रहा है यार, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। 130 रुपया तो दे के चला कि हाँ 112 रुपया हुआ, ठीक है। और ये कस्टमर ना आके मुझे बोला कि भाई देखो इतना हो रहा है, कितना लोग है। हम बोले यार बकरा पहले हलाल होने के लिए रेडी है, तो भाई क्या बोलूँ भाई। तो मैंने ज़्यादा नहीं मांगा, जितना जेन्युइन होना चाहिए था, 12 किलोमीटर के लिए मैंने 130 रुपया मांग लिया। हम बोले 130 दे देना, बोले चलो। और कंपनी ने मुझे दिखाया था 145 मुझे मिलेगा, देखता हूँ 145 रुपया कंपनी ने दिया है कि नहीं। अरे भाई आराम से, क्या हुआ,
देखो यार अंकल जी, लगता है गांव जा रहे होंगे अपना, टैक्सी वाले ने ठोक दिया। बताओ यार, लेफ्ट साइड में देखा नहीं, यही होता है भीड़ भाड़ एरिया में ना यार, बहुत दिक्कत होता है। हाथ में उनका बड़ा बड़ा बैग भी था, शायद बैग से ही लग गया होगा, उधर हल्का सा डिसबैलेंस होकर फिर इधर गिर गया। भाई यार देखो, इसीलिए हावड़ा आना में थोड़ा सा रिस्क है, आसपास इतना भीड़ भाड़ भी रहता है ना यार, कौन किधर से क्या कर देगा, कौन सा गाड़ी ठोक देगा पता भी नहीं चलता यार, इसी वजह से हावड़ा आना थोड़ा सा टफ हो जाता है काम करना इधर आके। मैं भी यहाँ पे ज़्यादा रुकूँगा नहीं, आगे बस स्टैंड के पीछे चल जाऊँगा मैं। गाइस रात के ना 9:31 हो रहा है, मैं 9 बजे हावड़ा आ गया था, पिछले आधा घंटे से रुका था, एक भी बुकिंग नहीं मिला ना उबेर से ना ओला से। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल के बड़ा बाजार की तरफ चल जाऊँ, और यहाँ पे देख लो कितने सारे बाइक टैक्सी के राइडर खड़े हैं। एक्चुअली ज़्यादातर ना सब इधर ही खड़े रहते हैं आजकल, कोई स्टेशन के पास नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे ना नेटवर्क का इशू होता है दोस्तों। तो जब भी आप लोग हावड़ा आओ ना, तो वहाँ पे ज़्यादा देर मत रुको, अगर तुरंत बुकिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना वहाँ से हट के ये बस डिपो होता है ना पीछे की तरफ, इधर आ जाना, क्योंकि क्या हो ना वहाँ पे यार नेटवर्क के इशू के वजह से बुकिंग नहीं मिलता, भले वहाँ पे कस्टमर खड़ा होकर बुकिंग कर रहा होगा, लेकिन क्या होता है ना फिर वहाँ पे बुकिंग नहीं मिलता उतना, बहुत दिक्कत होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम इशू करता है। देखो यहाँ पर भी कई सारे लोग खड़े हैं, सब बाइक टैक्सी के राइडर है, देख रहे हो ना कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी खड़े थे, तो उधर कोई खड़ा नहीं रहता, अभी सब इधर ही खड़े रहते हैं। नेटवर्क के वजह से मैं पहले मुझे भी समझ में नहीं आया था, जब मैं स्टार्टिंग में जब काम करते तो आता था, देखिए यार क्या बात है यार, बुकिंग नहीं मिल रहा है। तब थोड़ा सा देखा समझा तो पता चला कि यार यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है हावड़ा स्टेशन पे, वहाँ पे तो वहाँ पे उतारने के बाद ना बस डिपो के इधर पीछे की तरफ आ जाता हूँ, ये रास्ते का सीधे सीधे। बेलूर मठ के तरफ का एक राइड मैंने एक्सेप्ट किया हूँ, पता नहीं ये कहाँ पे है, और हाँ बड़ा बाजार के तरफ ही है, तो एटलीस्ट चलो बेलूर मठ के तरफ तो चल जाऊँगा ना एटलीस्ट, अच्छा सा पैसा भी दिखा रहा था 100 रुपीज़ के ऊपर, तो फाइनली उबेर से घर के तरफ का राइड मुझे मिल ही गया। और देखो जैसे मैं वहाँ से क्रॉस किया ना, आप लोगों को लाइव में एग्जांपल दे दिया, देखो अभी जैसे हावड़ा ब्रिज जैसे थोड़ा सा वहाँ से क्रॉस किया आगे आया, तो देखो बुकिंग मिलने लगा, तो यही होता है ना वहाँ पर नेटवर्क की वजह से ना जाम हो जाता है, और बहुत सारे राइडर रहते हैं ना, तो बुकिंग मिलता भी है तो पता नहीं चलता, बहुत दिक्कत होती है। बेलूरपुरा ना, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चल जाएंगे उधर ही से घर। पिन क्या बोले हम एक बार फिर से बोले, 8990 ना। तो दोस्तों रात के 10:45 हो रहा है, और उनको बेलूर उतारने के बाद ना कोई राइड मुझे मिला नहीं, मैं धीरे धीरे बाली ब्रिज की तरफ भी आ गया, ऑर्डर मिल रहे थे रैपिडो से, रैपिडो फूड के ऑर्डर मिल रहे थे बैक टू बैक, बट वो मेरे घर के तरफ का एक भी नहीं था, दूसरा साइड में था, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, और कुछ ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, जितना इस वीडियो का टॉपिक था वो मैंने कवर कर दिया हूँ, आप लोगों को बता दिया हूँ वो टेक्निक जिसके थ्रू आप चाहे तो अभी बाइक टैक्सी में काम कर सकते हैं आराम से, अगर येलो नंबर प्लेट नहीं कराना चाहते तो चलो आज का मैं आप लोगों को अर्निंग भी दिखा देता हूँ, कितना किसमें अर्निंग हुआ। या देखो 164 रुपीज़ रैपिडो से अर्निंग हुआ, ठीक है 164, एंड उबेर से मैंने एक ही राइड किया 106 रुपया हुआ वहाँ से, एंड ओला से मैंने 2 राइड कंप्लीट किया, 273 रुपया मैंने अर्निंग किया ओला से, देख लो यार 273 रुपीज़, आ जा खुल जा 273 रुपीज़, चलो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो रहा है, तो 106 प्लस 164 प्लस 273, तो 543 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, 543 रुपया, और कुछ दो कस्टमर ने 20-20 रुपये एक्स्ट्रा दिया मुझे, तो 40 रुपया और ऐड कर लो, तो 580 रुपया मैंने आज का अर्निंग रहा। ओके शाम के 6 बजे निकला था मैंने, 6 से लेके 10 बजे तक ही काम किया कह सकते हो, उसके बाद से तो कोई बुकिंग मिला ही नहीं मुझे, तो 4-4.5 घंटे में मैंने कमा लिया 550 रुपया। ओके और बाइक मेरा चला 55 किलोमीटर टोटल मेरा बाइक चला अभी तक। ओके तो खैर दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।